नमस्कार, सत श्रीकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आप पहुँचे हैं NH 91 बुलंदशहर तहसील रोड, और तहसील रोड से पहले ये MMR मॉल है, और MMR मॉल के पास यहाँ पर जितने समाजसेवी हैं, संस्थाएँ, संगठन के लोगों ने यहाँ पर लंगर शिविर लगाया हुआ है, जहाँ पर दवाइयाँ और विश्राम की बहुत ही शानदार व्यवस्था बनाई हुई है, और खाने पीने के साथ साथ दवा गोलियों का भी। और यहाँ पर ये जत्थे लगातार आ रहे हैं, कुछ अंदर विश्राम कर रहे हैं, और इनसे आपके एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं कि रूबरू करा के किस तरीके के इस बार जो है कांवड़ यात्रा में योगी जी महाराज की तरफ से विशेष जो उनके कड़े तेवर और कड़ी कार्रवाई के प्रतिरूप इनको कितना लाभ मिला, सीधा लाभ मिला। और स्वागत है आपका सभी लोगों का, सभी श्रद्धालुगणों का, सभी का चैनल की तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, और आपका बुलंदशहर की धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका भैया? जी हरिंदर सिंह। हरिंदर भैया, आप बुलंदशहर अब आए हैं, आप यहाँ पर हमें मिले, तो हर की पौड़ी से यहाँ तक क्या कहना चाहेंगे? सरकार और शासन प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस की व्यवस्था कैसी रही? जी सर, पुलिस की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी रही है इस बार, और देखा जाए तो कदम कदम पर पुलिस थी, और कोई यानी कि कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि ऐसी कोई बात बने गलत। अब तक तो जब तक वहाँ से आए हैं हम, अब तक बिल्कुल सब कुछ सही चला है। अच्छा, एक चीज़ और, आपसे पहले भी काफ़ी हमने जत्थे कवर किए, इस बार कांवड़ यात्रा को विशेष दर्जा मिल रहा है कि योगी जी महाराज ने बड़ा आपको सीधा लाभ, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, और बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं और सालों के मुकाबले व्यवस्था सारी अच्छी थी। श्रद्धालु कह रहे हैं इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। नहीं सारी ये हम नहीं, ये और भी बहुत लोग कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे में पुलिस है, और बहुत अच्छा काम है प्रदर्शन किया है अबकी बार योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कि जगह जगह पुलिस की कार्रवाई और जो भी कुछ है, यानी कि जो उनकी तरफ से हुआ है वो सारा कुछ कर संतुष्ट हैं योगी जी महाराज के, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। बहुत जी, हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सतीश चंद्र साहब, मैं कहाँ से, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोहिंदा जा रहा हूँ, खुर्जा से आ गए। अच्छा, खुर्जा से आ गए। स्वागत है सर आपका सभी का, अभिनंदन है चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों की तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, और आप हमारे सबके अतिथि हैं बुलंदशहर वासियों के। और कैसी यात्रा रही? यात्रा सब बढ़िया रही, कोई परेशानी ना किसी को, पुलिस तैनात, और हमारे रुकने के लिए लंगर बढ़िया। अच्छा, योगी जी के लिए क्या? आपको भी एक मिनट, काफी दिन हो गए होंगे आप सबको कावड़ लाते हुए, काफी टाइम हो गया होगा कावड़, कितने साल? 30 साल हो गई। क्या आज से पहले कभी ऐसी व्यवस्था देखी थी आपने? सरकार में गिरा, योगी सरकार में आपने यहाँ से ना वहाँ से ही देखते, हम गंगोत्री से ही देखते, मुख्यमंत्री को वोट दी है, आपको लगता है मेरी वोट वसूल हुई नहीं हुई? हमारे यहाँ है उत्तराखंड में जाके देखो, और इंतजाम बढ़िया, बहुत कोई परेशानी नहीं। हम गंगोत्री से आए सीधे वहाँ, तो खूब बढ़िया, हमारे लिए सब सुविधा सब बढ़िया। योगी बाबा जिंदाबाद। तो प्यारे वर्ष ये देखें, और जहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जरूर अवश्य जाएगा। योगी जी, आप बुलंदशहर की धरती से 550-600 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन जो आपके शिरदार जो आस्था है शिव जी के भक्तों के प्रति, जो आपने कार्रवाई की है कड़े तेवर कर, और कहीं ना कहीं सभी आला अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है, आपकी आस्था के अंदर इनकी पूर्ण रूप से शिव जी के भक्त हैं, कहीं ना कहीं आपसे संपूर्ण रूप से आपसे इंस्पायर्ड हैं हर तरीके से, हर डायमेंशन में, और कहीं ना कहीं आपकी ये राष्ट्रीय हित के साथ साथ आपने जो ये पिलग्रिमेज के लिए, जो श्रद्धालुओं के लिए जो धार्मिक जो यात्रा होती है उसको आपने चार चांद लगाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं रात दिन की तपस्या और बलिदान योगदान आज धरातल पर बुलंदशहर की जनता पर लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ, ग्वालियर, उज्जैन, हर जगह से सारे जत्थे आपकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी आत्मा में बसे हुए हैं, रोल मॉडल बने हुए हैं। और श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि जब तक योगी जी रहेंगे, हम कोशिश करेंगे योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आगे जी योगी जी पीएम, प्रधानमंत्री पीएम,
देखिए हमारे पीएम है योगी, और ये हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है योगी जी। देखिए आपके आपके भक्त आपके वेल विशर यहाँ पर बुलंदशहर के, शुभ नाम क्या है सर आपका? गणेश। गणेश भाई देखिए योगी महाराज जी आपके भक्त हैं और कहीं ना कहीं आप में आस्था लगाए हुए हैं, और आपको न सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। ये इनकी अपनी आस्था और अपने इनका अपना अपने हृदय की आत्मा की आवाज है। आने वाले हमारे दो ही शेयर केवल इंडिया में, एक मोदी एक योगी, और सुनो मोदी के बाद में योगी है हमारा शेर। और सुनो ये पूरे देश के बाद है, पूरे देश के बाद, पूरे हिंदुत्व के बाद है, पूरे हिंदुत्व के बाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में हमेशा बहुत बढ़िया। उन्होंने बाप त्याग दिया, माँ त्याग दी, सब त्याग दिया उन्होंने। नहीं, डेड डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री है, नो डाउट। हाँ, ये बात। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इधर आइए, नौजवान साथी हैं। शुभ नाम क्या है आपका? माधव शर्मा। माधव शर्मा जी, बुलंदशहर से हैं, स्वागत है चैनल में। आपने बड़ा इनका प्रोत्साहन बढ़ाया और यहाँ लगातार आप इनकी सेवा में समर्पित हैं पूरी टीम के साथ इस शिविर के अंदर। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? तो आपने बड़े संतुष्ट हैं आप भी तमाम हमारे अतिथियों के साथ साथ। एक्चुअली आप भी सर बुलंदशहर के होंगे, मैं भी बुलंदशहर गई हूँ और अधिकतर सब लोग भी बुलंदशहर गए। यहाँ पे जितने लोग हैं, अभी आपने देखा होगा अगर कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो ये लाइटें जलती थी, राइट? सफाई होती थी रोड पे, अलग अलग बोरियां लगा दी गई हैं कांवरतियों के लिए अलग, और जो नॉर्मल वाहन चलते हैं उनके लिए अलग। तो कहीं ना कहीं मैं हिंदू हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे प्रदेश, मेरे उत्तर प्रदेश में मैं अपना हिंदुत्व सर उठा के दिखा सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सबसे पहले जो मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए सर समाज के लिए, और गीता का जो सार है कहीं ना कहीं उसका वो नजर आना चाहिए धरातल पर। मानवता की आपने बात कही, क्योंकि उसको हिंदुत्व नहीं मारा है। इसमें जो एक आपकी बात से हम सहमत हैं, जो योगी महाराज जी की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही अपने आप में अति सम्मानजनक है। हिंदू ही है, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। बात ये है, ये अब शिव जी के भक्त हैं, श्रद्धालु के रूप में हमारे यहाँ पे अतिथि हैं, हम तो भगवान मान रहे हैं जी ने। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं से जो व्यवस्थाएं हैं योगी जी महाराज की तरफ से कड़े निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं आला अधिकारी की जवाबदेही तय कर दी है कि किसी भी एक कांवड़ यात्री को कोई समस्या पैदा ना हो। हर मोड़ पे एक पुलिस वाले खड़े हैं, हर मोड़ पे। बिल्कुल, मैं उन पुलिस वालों का भी सम्मान करूंगा, रात दिन उनकी इनकी सेवा में लग रहे हैं। शर्मा जी, मैंने अभी जो कवरेज किया है, बिल्कुल अभी जो हमने कवरेज किया है सयाना बस अड्डे पे, बाबू नासिदा चौराया, डिप्टीगंज, और उसके साथ साथ भूर चौराया, अब यहाँ पे आए हैं, हमने खुद देखा स्वयं हमने कि चार अगर श्रद्धालु हैं, चार के पीछे एक बाइक पे दो पुलिस वाले कहीं ना कहीं उनकी पायलट की तरह उनकी जो सुरक्षा दृष्टि से कवच बनाकर उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और बिल्कुल समर्पित है बुलंदशहर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ज़िले के मुखिया सीपी सिंह जी, डीएम साहब और कप्तान साहब शिलो कुमार जी के उनके नेतृत्व में जितनी पुलिस टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, और श्रद्धालुओं ने जमानत भी दे दी है। जी जी, स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी महाराज जी, अब आपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। योगी जी देखे, ये देखे बुलंदशहर की धरती पर गणेश जी आपके भक्त हैं, और कहीं ना कहीं आप आपके आस्था के अंदर आंखें टकटकाए लगाए बैठे हुए हैं कि योगी जी आने वाले समय के अंदर भविष्य में जरूर एक दिन जो है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से डेवलपमेंट और विकास कार्य और सबको साथ लेकर देश में अपना और तमाम गरीब इंसान तक आप योजनाओं को लाभ पहुंचाएं, सीधा लाभ पहुंचाएं। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट, और अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब लोग उनके परिजन यहाँ पर हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आइए, और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु सब लोग रेस्ट मोड में हैं, परिवार के साथ में हैं, महिलाएं हैं, बच्चे। सोहन। सोहन कहाँ से बेटा? खुर्जा। खुर्जा से। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं। तो ये जो सरकार काम कर रही है योगी जी सरकार, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कर रही है, संतुष्ट है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ये देखें योगी जी महाराज आपके छोटे भक्त हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपसे ये आश्वस्त हैं, और कहीं ना कहीं माहौल लगा दिए बहुत सुख सुविधाएं, बहुत शानदार तरीके से कानून व्यवस्था, और जितने श्रद्धालु हैं यहाँ पे आराम कर रहे हैं, दिखा दीजिए विजुअल्स में। और
बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कहीं ना कहीं देखें। एक छोटे बच्चे, एक श्रद्धालु हो रहा है बेटा, शुभ नाम क्या है आपका? शिव। शिव, अरे शिव जी के भक्तों के शिव, आपका बहुत अच्छा नाम है, यूनिक नेम, सो ब्यूटीफुल नेम। स्वागत है बेटा चैनल में। कहीं कोई परेशानी आई? हर की पौड़ी से आप बुलेश्वर आए, अब यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। गोमुख से आए। कहाँ से? गोमुख। अच्छा, कहाँ जाएंगे? खुर्जा। खुर्जा। कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, कोई सुविधाएं बहुत अच्छी, पुलिस बहुत की अच्छी, हाँ। सड़क की व्यवस्था, हाँ, ट्रैफिक का निज़ाम अच्छी थी। तो योगी सरकार से संतुष्ट हैं? चलिए, थैंक यू जी। शुभ नाम क्या भैया आपका? नीरज शर्मा। आपको कोटि कोटि बधाई। बुलंदशहर की पावन धरती पर आप हमारे सबके अतिथि हैं, और चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे वहाँ से, जब हर की पौड़ी से चले हैं बुलंदशहर, आप विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर, किसी तरीके बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार गया मैं, भोले ने बुलाया मुझे, पहली बार गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी यात्रा हुई मेरी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई उसकी, सड़क की भी, पुलिस की भी, और ट्रैफिक भी बहुत अच्छी, कहीं जाम वाम कुछ नहीं मिला, सब बढ़िया तरह से। आपके लिए बिल्कुल विशेष रूप से सड़क पे अलग विशेष अलग व्यवस्था हुई, और उसकी कैंपों की भी बहुत बढ़िया उन्होंने वो किया। तो कितने नंबर देंगे योगी जी सरकार को? बिल्कुल 100 में से 100%। चलिए शर्मा जी, बहुत अच्छा, और सकुशल आप लोग घर पहुँचे, और महाशिवरात्रि के दिन जो है आप लोग वहाँ पर जो गंगा जल के आपने वहाँ पे चढ़ाएं, और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, हम ऐसे आशा उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष, ये देखें तमाम श्रद्धालु जो है तमाम बिल्कुल विश्राम करते हुए, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था, और शिविर के अंदर जो है हर तरीके से देखें, इनकी अपनी बाइक खड़ी हुई है, कांवड़ इन्होंने रखे हुए हैं, और खाना खा के कहीं ना कहीं विश्राम कर रहे हैं। और हम आपको यहाँ दिखा देते हैं इस शिविर में, ये यहाँ पर तमाम कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग सो गए हैं, और कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अति सराहनीय बात है, और उधर महिलाएँ हैं, परिवार हैं, सब लोग जी खाना खा रहे हैं। आप लोग, स्वागत है आपका। शुभ नाम क्या है आपका? भूपेंद्र सिंह। अच्छा भूपेंद्र भाई, कहाँ जा रहे हैं भूपेंद्र भाई? यहाँ से बुलंदशहर से कहाँ के लिए जाएंगे? कस्बा चंडोस के पास। चंडोस के पास। अच्छा, रास्ते में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो संतुष्ट हैं इस बार जो सुविधाएं आप लोगों को मिली सरकार की तरफ से? बढ़िया सुविधा मिली। और खाने यहाँ पे लंगर में कोई पीछे भी जितने लंगर मिले आपको, शिविर मिले, सब बढ़िया जी, सारी व्यवस्थाएं अच्छी? अच्छी जी। तो योगी जी को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100। चलिए, एक छोटे कांवड़ है हमारे, ये शिव जी के भक्त हैं, इधर आए बेटे, इधर आइए, शाबाश। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, अरे वाह, नाइस टू मीट यू बेटा। कुलदीप, मजा आ रहा है सेवा करके आपको? हाँ, बहुत मजा। शिव जी के भक्तों को है, खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए थैंक यू। और यहाँ पे बूढ़ी अम्मा हैं, और अम्मा जी से भी आपसे बात कराते हैं। अम्मा जी आदाब नमस्कार। अम्मा जी स्वागत है आपका बुलंदशहर आने पर। कहाँ जा रहे हैं आप? खुर्जा। खुर्जा। तो अम्मा जी कहीं परेशान तो योगी सरकार से खुश हैं? खुश हैं। पुलिस की कानून व्यवस्था पूरी अच्छा लग रही है? अच्छा, तो योगी जी से संतुष्ट हैं? हाँ। योगी जी महाराज, शुभ नाम क्या है आपका? अम्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल चढ़ाएं, और आपकी यात्रा मंगल में हो, और मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, थैंक यू सो मच। देखिए योगी महाराज जी हमारी सीनियर सिटीजन हैं, ये भी आपकी भक्त हैं, कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं, और तमाम जितने श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई है जीरो ग्राउंड पे, सभी लोग संतुष्ट हैं योगी जी महाराज से और उनकी व्यवस्था से, ये अपने आप में अति सराहनीय है जी। शुभ नाम क्या है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक भाई, ये आपने यहाँ लंगर में आप यहाँ पे समर्पित हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है आपका, आपका भी स्वागत है अभिनंदन। और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस आनंद आ रहा है श्रद्धालुओं की सेवा करके। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, और यहाँ पर एक साथी और है, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अभी जाग रहे हैं। आदाब नमस्कार भाई साहब, मुझे भी प्यारे उस बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस यात्रा का एक हिस्सा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा भी एक ये राजधर्म है कि हम भी श्रद्धालुओं के प्रति मान सम्मान, और जितना भी हम हो सके उनको हौसला अफजाई करें, प्रोत्साहन करें, और जितना भी हमसे बन सके हम उनके लिए, उनके आसानी के लिए हम उनका हिस्सा बन सकें जी। स्वागत है सर चैनल में,
अभिनंदन है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम पराग गुप्ता है। गुप्ता जी, हर की पौड़ी से आप बुलिंग शहर आए, आपका स्वागत है, आप हमारे अतिथि हैं। जी जी, जी। कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम सर खुर्जा जाएंगे। खुर्जा जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहीं परेशानी आई? नहीं, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छी तरीके से पूरी व्यवस्था, सारी सब जगह व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अच्छा, इससे पहले भी आप जाते रहे होंगे यात्रा में? मेरी ये 8वीं कांवर है। अच्छा, इस बार से तो सात, इससे पहले 7 यात्रा आपने कांवड़ के रूप में कवर की, रहे उसमें, शिरकत की आपने, तो इसमें उन्होंने फर्क रहा? उन्होंने इसमें पहले के मुकाबले थोड़ा फर्क रहा है, ये पहले से ज़्यादा इसमें सुविधा मिली है। ज़्यादा? हाँ जी, हाँ जी। तो योगी जी को कितनी तारीफ की है, बड़े संतुष्ट हैं। ये अपने आप में प्यारे वर्ष, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लखनऊ रह के और उस पूरे सिस्टम को रूपरेखा